अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें क्रिकेट न्यूज़ HD चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकन को ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिले। एशिया कप 2022 का दूसरा मैच इंडिया और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेला जाएगा। ये दूसरा मैच 28 अगस्त को खेला जाएगा। तो वहीं एक तरफ होगी इंडिया की टीम जो अब तक 7 बार एशिया कप टाइटल जीत चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ होगी पाकिस्तान की टीम जो अब तक 2 बार एशिया कप टाइटल जीत चुकी है। दोनों टीमें ये दूसरा मैच जीतकर एशिया कप 2022 में एक जबरदस्त स्टार्ट लेने के लिए रेडी हैं। तो वहीं इस दूसरे मैच के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 कंफर्म हो चुकी है। आज की इस खास वीडियो में इस दूसरे मैच के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 हेड टू हेड मैचेस, मैच टाइमिंग, मैच प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। दोनों टीमों में कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं और ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, पिच रिपोर्ट किस टीम का साथ देगी, तो ये फुल डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन इस सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2022 का दूसरा मैच 28 अगस्त को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो वहीं इस मैच की टाइमिंग की बात करें तो ये मैच शाम 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो वहीं दोनों टीमों के दरमियान हेड टू हेड मैचेस देखे तो अब तक ये दोनों टीमें 14 मैचों में आमने सामने हुई। 8 मैच इंडिया ने जीते जबकि 5 मैच पाकिस्तान के नाम रहे और 1 मैच नो रिजल्ट पर खत्म हुआ। तो यहाँ इंडिया टीम का पलड़ा भारी है। तो वहीं इस मैच की पिच रिपोर्ट की बात करें तो इस ग्राउंड ने अब तक 74 T20 मैच खेले गए। 34 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने मैच जीता जबकि 39 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने मैच जीता। तो यहाँ जो भी टीम टॉस विन करेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। तो वहीं इस दूसरे मैच के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले बात करते हैं इंडिया टीम की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। तो वहीं ओपनर्स में नंबर 1 पर होंगे कैप्टन रोहित शर्मा, नंबर 2 पर होंगे बाबा KR राहुल, तो वहीं मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर होंगे बाबा विराट कोहली, नंबर 4 पर होंगे बाबा सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर होंगे विकेट कीपर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर होंगे ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर होंगे बाबा दिनेश कार्तिक। तो वहीं बॉलर्स की बात करें तो नंबर 8 पर होंगे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, नंबर 9 पर होंगे फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर होंगे फास्ट बॉलर शदीप सिंह, नंबर 11 पर होंगे स्पिन बॉलर युजवेंद्र चहल। तो वहीं दूसरे मैच के लिए पाकिस्तान टीम की फाइनल प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर होंगे कैप्टन बाबर आजम, नंबर 2 पर होंगे विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, तो वहीं मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर होंगे बाबा फखर जमान, नंबर 4 पर होंगे बाबा हैदर अली, नंबर 5 पर होंगे बाबा खुशदील शाह, नंबर 6 पर होंगे बाबा आसिफ अली। तो वहीं बॉलर्स की बात करें तो नंबर 7 पर होंगे ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, नंबर 8 पर होंगे ऑलराउंडर शदाब खान, नंबर 9 पर होंगे फास्ट बॉलर हरीश रऊफ, नंबर 10 पर होंगे फास्ट बॉलर नसीम शाह, नंबर 11 पर होंगे फास्ट बॉलर शाहनवाज दानी। तो वहीं इस मैच की मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो इंडिया ने अपने पिछले 10 T20 मैचों में से 8 मैच जीते और 2 मैच हारे। तो वहीं पाकिस्तान टीम ने भी अपने पिछले 10 T20 मैचों में से 8 मैच जीते और 2 मैच हारे। तो यहाँ ये दोनों टीमें बराबरी पर हैं और हमें एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो ये होगी इस दूसरे मैच के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 हेड टू हेड मैचेस, मैच टाइमिंग, मैच प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट। तो ये दूसरा मैच कौन सी टीम जीतेगी, इंडिया टीम या पाकिस्तान टीम, अपनी राय का दार कमेंट में जरूर करें। और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग।